हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग? आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हम आशा करते हैं कि आप लोगों का ये नया साल बहुत ही अच्छा जाए। दोस्तों, आज है शुक्रवार और साल का पहला दिन, और शुक्रवार यानी कि हमारा रिएक्शन वीडियो का टाइम है। दोस्तों, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ट्रिगर इंसान के जो लेटेस्ट वीडियो है, डैड रिएक्शन ऑन पाकिस्तानी टिकटॉक, इस पे हम रिएक्शन देने वाले हैं। दोस्तों, उनके वीडियोस मुझे बहुत ही पसंद है और मेरी मैडम को भी बहुत ही पसंद है, लेकिन जो आज वीडियो है वो ना मैंने देखा है ना इन्होंने देखा है, तो ये वीडियो हम दोनों के रिएक्शन के बारे में है। तो आखिर तक वीडियो ये जरूर देखिए, बहुत मजा आने वाला है और एंजॉय कीजिए। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम पीने के लिए खरीदते पी नहीं सकते? मैं अगर मेरे में कॉमन सेंस होती मैं भालू बनता। कंटेंट की कमी है तेरे को? Moments later. भाई चल तो करूंगा, पर एक बात देख ले, मैं महंगा स्टार हूँ, मेरे को तू झेल पाएगा? मैं गरीब हूँ। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो कल ना मैंने एक वीडियो देखी। 17 मिनट का एक ब्रो, आई वो भी सोच रहा होगा, आर यू कॉमेडी मी? यो पापा ब्रो, मेरे यूट्यूब पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। तो मेरे घर से ना मेरे घर का पानी भरते हैं क्या? पानी वानी लेके आ। जी साहब जी, गजब बेइज्जती। A few moments later. इस बात पे मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। दिल्ली में पड़ती है ठंड, टिकटॉक वालों ने करा ली झंड। अब लेकिन सैड पार्ट ये है कि इंडिया में तो टिकटॉक बैन हो चुका है, एफ, लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं हुआ ना। और टिकटॉक इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, टिकटॉक तो टिकटॉक रहेगा। इसीलिए आज हम देखने वाले, एक्चुअली आज पापा आपको दिखाने वाले, पापा आज रोस्ट करने वाले है ना, उसके भाई बल्ली खान है। पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई, खली के पाकिस्तानी रिश्तेदार है, खली बल्ली हो गई। यहाँ पे एक रथ बहुत ही मस्त चलता आ रहा है, और ये बाइक पे उल्टा लेट के टहलते हुए अजय देवगन हमारे बली चचा, वो भाई उड़ा दिया। बली चचा आप भाई, ये तो अजय देवगन फेल कर दिया, ये लगता है अजय देवगन इसी से सीखता सारे स्टंट। वो एक्चुअली अजय देवगन तो सिर्फ पान मिलास पान मसाला दुबा केसरी खाते है ना, तो इसलिए दो पैर रख के ऐसा चल पाता है बाइक पे। ये भाई के नशे नेक्स्ट लेवल है, ये ज्यादा लगता है नशेड़ी गंजेड़ी गैंग का वो है। मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, इसके नशे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सीधा भाई ट्रक समेत हवा में, और जहाज भी आया बीच में, प्लेन भी था वो, क्या तेज नजर है। प्लीज मुझे एक लाइक कर दो, और हाँ साथ फॉलो भी कर दो। मैं दिल से दुआ करूंगा,
बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। मतलब टिकटॉक पे लाइक्स और व्यूज के लिए बाल काट रहे हैं, मूंछे दाढ़ी काट रहे हैं, एक रुपए की अकल नहीं, एक रुपए की शर्म नहीं, लाइक्स के लिए देखो कितना मतलब मेरे को नौवा बना दिया था इसने हजामत करने वाला तुमसे ना हो पाएगा। जब तू 5 लाख लाइक्स के लिए ऐसी हरकत कर सकता तो उसने कर ली तो कुछ बड़ी बात हो गई। तकलीफ है भाई देखा लापरवाही का नतीजा कौन है इसको क्या करंट लग रहा है नहीं पापा एक्चुअली इसको ना बहुत भयंकर बीमारी है। बवासीर एक आम समस्या है। ये देखने के बाद ना मेरा पसीना बढ़ गया। हर जगह मिलते हैं। कहीं भी चले जाइए जिस गली से मैं गुजरूं वहाँ टिकटॉकर मिलेगा। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। हुलिया ही बदल डालता है। भाई बच्चे की जान लेगा के अरे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी। ये क्या कर रहे हैं? अरे आंखों में गंगा जल डाल रहा हूँ भाई क्या देख लिया ये मैंने आंख दिखाता है मादर। ये तो बिल्कुल वो है अरे इंडिया का वो कौन था जो लड़के से लड़की बन जाता बड़ी सुंदर वाला मोंटी रॉय। मोंटी रॉय बस फर्क ये है कि मोंटी रॉय लड़के से पापा ये देख लेना कुछ खाने वाले में ये पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस टिकटॉकर है। बड़ी खूबसूरत भी लग रही है और लंबे लंबे बाल ब्राउन कलर के। रुको जरा सबर करो अभी कैसी लगी? कैसी लगी? सुंदर लगी? खूबसूरत लगी? अच्छी लगी? अफसोस मुकेश बच नहीं सका। अल्लाह ये बचपन की गलतियों का नतीजा है। मस्त जोक मारा रे। इनको देख के वो डायलॉग याद आता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये ना टिकटॉक का एक फिल्टर है जिसमें आप बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी चला के ऊपर ऐसे तोबा 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 मेरी गलती नहीं है। ये ऐसे ऐसे अश्लील लोग आ जाते हैं। देखो मुझे सोने का महल नहीं चाहिए एक इंसान का प्यार चाहिए एक इंसान का समझे तुम छोटी बात है। लेकिन गंगा सभी तो प्यार करते हैं ना तुमसे। कोई नहीं करता और मुझे नहीं चाहिए। यही है। ये तो पहले वाले जैसे लग रहे जैसे पताल लोक से आई हो नागिन कल जेडी मुलाकात हुई मेरे ना ओ दास पत्ती जली तूने आया मचा मस्ती ही मस्ती दुनिया में कहीं भी चला जा ऐसे कार्टून नेटवर्क मिलेंगे मिलेंगे सत्य बच्चे। और इसी बात पे आज की वीडियो को हम अगर आपको द ओरिजिनल ट्रिगर्ड इंसान जी हाँ यही है हमारे रियल ट्रिगर्ड इंसान इन्हीं से इंस्पायर हुआ मैं तो हमारे ओरिजिनल ट्रिगर्ड इंसान की रोस्टिंग अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को क्या करना बोलो लाइक करना शेयर करना लाइक्स का एम रखो तुम आप एम और रखो कम से कम हमें चाहिए 10 लाख लाइक्स एक मिलियन दैट ही मींस 1 मिलियन लाइक्स कम ऑन यार ये भी परेशान हो गए हम भी परेशान हो गए करो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग बहुत बढ़िया दोस्तों ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोस हमें काफी पसंद है क्योंकि उनका जो रोस्ट और जो स्टाइल है बिना गाली गलोच और बिना कोई गंदी बातें किए जो हंसने का और हंसाने का जो स्टाइल है वो मुझे काफी पसंद है।
तो कैसी लगी आपको वीडियो? मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें कुछ गाली वगैरह वो कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे अच्छा लगा ये वीडियो। ज्यादातर जो रोस्ट की वीडियोस होती है उनमें लोग ऐसे ही सोचते हैं कि गाली गलौज कर दे या फिर कुछ गंदा बोल दे तो रोस्ट हो गया, लेकिन ट्रिगर्ड इंसान की जो वीडियोस होती है वो ऐसी बिल्कुल नहीं होती है। तो दोस्तों, जैसे ट्रिगर्ड इंसान ने 1 मिलियन लाइक्स का टारगेट रखा है, वैसे हम भी आज हमारे चैनल पे पहली बार 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। अगर इस वीडियो को 100 लाइक्स आ गए तो हम जरूर से जरूर, पता नहीं तो या लेकिन इतना पता है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है और ट्रिगर्ड इंसान आपको पसंद है या नहीं है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मैं हूं अमित चावड़ा और मैं हूं पूजा चावड़ा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते। तो शुरू करें शुरू करें चालू करो।